दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। सर, चोरसियास रोड पे वार्ड नंबर 58 से आया हूं मैं, और मुझे राशन लेने के लिए पार्षद जी का फ़ोन आया था और टेक्स्ट मैसेज भी आया था मेरे पास कि 12 से 17 तारीख के राशन मिलेगा, लेकिन अब आ गया या लेकिन OTP नहीं आ रहा यहाँ पे मेरा, और इसकी वजह से मुझे राशन नहीं मिल पा रहा। बात करी लेकिन वो कह रहे हैं OTP आएगा तभी काम होगा। हाँ जी, कहाँ रहते हैं? मैं पंचिल गणेशवाड़ी में, रोहित मेहता। ये वार्ड 59 में राशन की दुकान, यहाँ पे 3 दिन से दिक्कत आ रही है। सरकार ने तो बोला था कि जैसे ही मैसेज आएगा आपको राशन मिल जाएगा, लेकिन मैसेज आने के बावजूद भी राशन नहीं मिल पा रहा है। लोगों को काफ़ी समस्या आ रही है, जैसे इस वार्ड के लोगों की दुकान है 58 में किशोर कुमार जी की, वहाँ जाते हैं तो वो तो कह रहे हैं हमारे पास राशन ही उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ आ रहे हैं तो सरकार ने योजना तो दे दी, लेकिन OTP नहीं आ पा रहे लोगों को। सुबह 7 बजे से बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं, OTP नहीं आ रहा, और आधों को तो ये खुद ही भ्रमित करके ऐसे भगा देते, बोले तुम्हारा मैसेज नहीं है कुछ, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा राशन दिया जाएगा। दज्जी नियमों की फुल दज्जी आउटरी, कोई योजना नहीं है, अब सैनिटाइजर की ना कुछ और व्यवस्था है, ऐसे ही लोग बस भीड़ में लट चल रही है। बिना मास्क के भी लोग भाग रहे, बिल्कुल आ रहे भी हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा इस चीज़ का, लेकिन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। दो आदमी बैठे हैं प्रशासन के, लेकिन अभी भी ये आ जाए, ये कल नहीं आए थे। आपका नाम? राजवीर सिंह गुजर। प्रमुख समस्या तो ये है कि जो BOLO से और हमने जो पार्सल बंधुओं ने हमने जो लिस्ट दी, उस लिस्ट के हिसाब से खाद्य वितरण होना चाहिए। इन्होंने क्या कर रखा है कि जिनका जन आधार कार्ड नंबर नहीं है उनको राशन नहीं दे रहे, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि जन आधार नंबर नहीं है और अगर किसी भी सरकारी मतलब उसका कोई लाभ नहीं ले रहा है सरकारी कार्यक्रम का, तो उसको मिलना चाहिए, अन्यथा ये लिस्ट बनाने से क्या मतलब है। अगर वो APL है और किसी भी प्रकार की उसको गवर्नमेंट की सहायता नहीं मिल रही है तो उसको ये राशन मिलना चाहिए। तो ये उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूर्व के अंदर जो पिछले महीने यहाँ पे जो आसपास के क्षेत्र से बिनाई हुआ, सराधना हुआ या कहीं के भी आसपास बंधु थे, उनको इन लोगों ने राशन दिया था BPLO को। अब BPL वाले को उनको राशन नहीं देते हैं, उनको कह रहे हैं कि भैया आप बिनाई के तो बिनाई जाइए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब लॉकडाउन खुल चुका है तो क्या बिनाई की बस लगाई है क्या प्रशासन ने? बस नहीं है तो कैसे जाएगा बंदा? तो उन लोगों को भी जो आसपास के क्षेत्र से पूर्व में जो इन्होंने राशन दिया था राशन वालों ने, मेरा ये अपील है प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से कि उन लोगों को भी राशन दिलाएं। क्या वो बस की व्यवस्था नहीं है तो उसके बाद अपना साधन नहीं तो वो कैसे जाएगा लेने वहाँ पे? तो मैं ये दो विशेष बातों पे ध्यान देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मैं एक ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी बिना मास्क के आए उनको राशन नहीं दें, ताकि वो इस बात पे पालन करें भैया, तो पहले मास्क लगा उसके बाद ही देखो राशन। इतनी पब्लिक यहाँ खड़ी है, यहाँ किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमारे थाने से आए हुए हैं, उनको भी मैंने एक बार कहा और लगाते हैं, उसके बाद भी अभी जैसे कि इनको ये करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग अति आवश्यक है, अन्यथा अपन ये 5 किलो लोगों के आगे आगे कोई कोरोना बांट के नहीं चला जाए, इसकी सावधानी रखना भी बहुत जरूरी है। ठीक, कौन सी जगह है ये? चोरसियावास है, यहाँ पे ये आशीष श्रीमाल की राशन की शॉप है, यहाँ पे राशन वितरण हो रहा है। ठीक, आपका नाम? प्रकाश, मेरा पार्सल भारत नंबर 59 के जो 37 परिवारों में चयनित है ना, उनको राशन का दिया जा रहा है ऑनलाइन सीधा, यहाँ पे OTP से ही कराया जा रहा है और दिया जा रहा राशन हाथों हाथ। नहीं तो दे रहे हैं अभी, तो उनको बोला कल आज शाम को आना 5 बजे या तो फिर कल आना, अभी 2 दिन और नहीं, सब खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी, सबको मिल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पुलिस वाले बुलाया ना इसीलिए। आपका नाम? मेरा नाम राजेश, दुकानी में तो BLO में।